देसाई ने अपनी जिंदगी में काफी कुछ सहा है। अगर उनकी पर्सनल लाइफ पर बात की जाए तो रश्मि खुद कहती हैं, मुझ पर बचपन से ही जिम्मेदारियों का काफी ज्यादा लोड था, मुझ पर बचपन से ही परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिन्हें मुझे संभालना था। और इन सबके बीच में जब आगे बढ़ी रश्मि देसाई, नंदिश के रूप में उन्हें हमसफर मिला। नंदिश से रश्मि ने प्यार खूब सारा किया, मगर इस प्यार ने भी तलाक की दहलीज पर जाकर दम तोड़ दिया। नंदिश से अलग होने के बाद रश्मि डिप्रेशन में चली गई। अरहान उनकी जिंदगी में आए, रश्मि संभली, मगर अफसोस वो प्यार भी रश्मि का मुकम्मल नहीं हो पाया। अब इन सबके बीच में हम आपको बताते हैं किस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला से इंटरव्यू में रश्मि की निजी जिंदगी को लेकर हो रहे झोल के बारे में सवाल किया गया और सिद्धार्थ शुक्ला ने क्या कुछ कहा। जब सिद्धार्थ से पूछा गया कि रश्मि इतना कुछ सह चुकी हैं, उनकी लव लाइफ में इतना कुछ हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे, सिद्धार्थ ने साफ शब्दों में कहा, मैं किसी की निजी जिंदगी पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, मैं किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन अरहान को लेकर रश्मि के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई फील बैड। जी हाँ, जो कुछ भी रश्मि देसाई ने सहा है, जितनी भी परेशानियां रश्मि ने सही हैं, जो दिल रश्मि का टूटा है, जो विश्वास रश्मि का तोड़ा गया है, उस पर सिद्धार्थ कहते हैं साफ तौर पर कड़े शब्दों में, आई फील बैड फॉर रश्मि कि उसके साथ चीटिंग हुई है। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।